माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम रिज्यूम किसे टाइप करेंगे, कंट्रोल F2 प्रिंट प्रीव्यू मोड के अंदर, तो कुछ सेटिंग इस तरह से आ रही है। यहाँ पे आपका आएगा डेट ऑफ बर्थ। अब मेक श्योर कि यहाँ पे अब आपको आगे को लेके जाना है ना, तो आपको यहाँ पे ना स्पेस नहीं प्रेस करना, आपको टैब प्रेस करना है। अगर मैं चेक करके दिखाऊँ आपको कंट्रोल F2 करके, तो आप देखिए ये सारी सेटिंग बन गई है, बट हमें टाइप पूरा कर लिया, बट अब हमारी फॉर्मेटिंग रहती है। तो जो सा कलर आपको चाहिए वो कलर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। ग्रेट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज का जो सेशन है उसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ टू राइट अ रिज्यूम इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम रिज्यूम किसे टाइप करेंगे और किस तरह से उसकी सेटिंग करेंगे, ये आज की वीडियो में होने वाला है। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, अगर मैं प्रेस करके दिखाऊँ आपको कंट्रोल F2 प्रिंट प्रीव्यू मोड के अंदर, तो कुछ सेटिंग इस तरह से आ रही है। हालांकि रिज्यूमे के जो फॉर्मेट्स हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये बेसिक फॉर्मेट है और बताऊँ आपको इसे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, अगर आप देखें ध्यान से तो ये सेंटर में है और पीछे आपका कलर है और प्लस आपकी आउटलाइनिंग है, ये आपका बिल्कुल वेल अलाइंड है, प्रॉपर फॉर्मेटिंग में आ रहा है। ये हम यूज़ किया है बुलेट्स का, ये भी आपका प्रॉपर अलाइंड आ रहा है, और ये सबको मिला के सेटिंग करने के बाद हम देखेंगे कि हमारा रिज्यूमे टाइप हो गया है। तो ये हम टाइप करेंगे आज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, आज की वीडियो ये होने वाली है। इन केस अगर आप चाहते हैं कि मैं डिटेल के अंदर वीडियो बनाऊं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। डेफिनेटली आई विल ट्राई टू मेक अ वन शॉट वीडियो ऑफ MS वर्ड, ताकि आपको पूरा का पूरा आइडिया हो जाए। हालांकि हमारी मल्टीपल सीरीज चली हुई हैं, टैली की भी, डिजाइनिंग की भी, प्रोग्रामिंग की भी, इंग्लिश की भी और एक्सेल की भी। तो आप किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर जाके आप सर्च करेंगे, आप काम देखेंगे हमारी वीडियोस के ऊपर जाके, तो आपको वो बहुत बेनिफिट देने वाली है। शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा कि जो कोई व्यूअर इस चैनल पर पहली बार आया है, ऐसे यूजफुल कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा, और हाँ बेल आइकन पर तो प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी कोई वीडियो आए ना उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके कि हाँ कोई वीडियो आ गई है। चलिए देखते हैं, तो लेट्स स्टार्ट विद द रिज्यूमे। सो रिज्यूमे बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले तो हमें न्यू फाइल कंट्रोल N करके, कंट्रोल N क्या होता है, न्यू फाइल आपकी आती है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, अगर आपको फास्ट काम करना है ना, तो आपको मैं एक टिप देना चाहूँगा, वो क्या है, कभी भी आप सेटिंग मत कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको दिखाऊँ मैं पहले वाली फाइल, तो आप देखेंगे यहाँ पे टाइप है। हम ऐसा नहीं करेंगे कि पहले टाइप करेंगे इसको, फिर बोल्ड करेंगे, फिर सेंटर में करेंगे, फिर यहाँ आएंगे उसको, फिर हम लेफ्ट लाइन करेंगे, फिर बोल्ड करेंगे, फिर यहाँ आएंगे, फिर बोल्ड को हटाएंगे, तो हम ऑन ऑफ करते रहेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। इट्स बेटर कि आप सिंपल पहले टाइप कीजिए फटाफट से, उसके बाद फॉर्मेटिंग करते हैं। सो मैं स्टार्ट करता हूँ टाइपिंग आपके सामने, और आप देखिए मैं कैसे करता हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे टाइप किया रिज्यूमे, उसके बाद स्टूडेंट का नाम जो कैंडिडेट है, डॉटर ऑफ श्री रूप सिंह रावत, विलेज जरोला, डिस्ट्रिक्ट गढ़वाल, उत्तराखंड। मोबाइल आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं, मैं यहाँ पे ये डाल देता हूँ। ईमेल आईडी nikitarawat.89@gmail.com, राइट। ये मैंने फटाफट से टाइप कर लिया। अब आप देखेंगे यहाँ पे मेरे को टाइप करना है ऑब्जेक्टिव, एंटर, जगह छोड़ दी, उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस, जगह छोड़ दी, उसके बाद क्वालिफिकेशन, फिर मैंने स्पेस छोड़ दी, आईटी स्किल्स, फिर स्पेस छोड़ दी, उसके बाद पर्सनल डिटेल, और फिर स्पेस छोड़ दी, उसके बाद प्लेस एंड डेट। तो प्लेस की अगर बात करूं तो यहाँ पे डॉट 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 डॉट, एंड डेट की बात करूंगा तो डॉट 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 डॉट, फिर आगे मंथ, फिर आगे ईयर। इनकी सेटिंग हम आपस में एक साथ सीक्वेंस में देख लेंगे और वहाँ सेट कर देंगे। उसके बाद लास्ट में ब्रैकेट के साथ निकिता रावत एंड ब्रैकेट बंद, ठीक है। अब ये मैंने टाइप कर लिया, अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स की। ऑब्जेक्टिव टाइप करना है तो जो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स हैं कैंडिडेट के वो आप डाल सकते हो, बट मैं यहाँ पे जो रिज्यूमे में लिखा हुआ था मैं वही देख के टाइप कर रहा हूँ। आप भी ऐसा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, बट मेक श्योर कि जो डिटेल हैं, जो आपके पर्टिकुलर्स हैं, वो आपके खुद के होने चाहिए, वो आपको कॉपी पेस्ट नहीं करने। हाँ, बाकी आप अपने हिसाब से अगर आप चाहें तो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं।
इसको आप ठीक कर सकते हैं स्पेलिंग को। फिर वर्क एक्सपीरियंस, हम इसकी बात करेंगे। यहाँ पे क्या है कि हमने कहाँ पे काम किया है, ये आ जाएगा। ड्यूरेशन, डेजिग्नेशन एंड सेक्शन। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ क्या, प्रेजेंटली लुकिंग फॉर अ सुइटेबल जॉब एज आई जस्ट शिफ्टेड टू दिस प्लेस। क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है 10th पास्ड फ्रॉम उत्तराखंड बोर्ड, उसके बाद फिर अगेन 12th पास्ड फ्रॉम उत्तराखंड बोर्ड। आईटी स्किल्स की बात करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम MS ऑफिस, इसके अंदर बात की है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट एंड विंडोज 10। पर्सन डेल की बात करेंगे, यहाँ पे एक फालतू स्पेस है तो उसको ऊपर ले जाइए। यहाँ पे आपका आएगा डेट ऑफ बर्थ। अब मेक श्योर कि यहाँ पे अब आपको आगे को लेके जाना है ना, तो आपको यहाँ पे ना स्पेस नहीं प्रेस करना, आपको टैप प्रेस करना है। तो टैप का मतलब बेसिकली क्या होता है, इक्वल टू 8 स्पेस। तो मैं यहाँ पे टैप प्रेस कर रहा हूँ, 1 टैप एंड 2nd टैप, उसके बाद कॉलन साइन एंड फिर टैप। तो देखिए उसने वो 10 स्पेस जो है अपने आप से मैनेज कर ली, 24th March 1989। उसके बाद फादर नेम, फिर टैब। इससे क्या होगा, आपका बिल्कुल सीक्वेंस में वेल अलाइंड होके आएगा। फादर्स नेम श्री रूप सिंह रावत। उसके बाद बात करते हैं नेशनैलिटी की, ये है इंडियन। इसके बाद बात करते हैं मैरिटल स्टेटस की, वो है मैरिड। और इसके बाद हम सेक्स की बात करेंगे तो ये है आपका फीमेल। और उसके बाद बात करेंगे लैंग्वेजेस नॉन, कौन कौन सी हैं, हिंदी एंड इंग्लिश। तो ये आपका रिज्यूमे बन गया। अभी आप देखेंगे कि एक लाइन हमारी चलेगी नेक्स्ट लाइन में। अगर मैं चेक करके दिखाऊं आपको कंट्रोल F2 करके, तो आप देखिए ये सारी सेटिंग बन गई है, बट हमें टाइप पूरा कर लिए, बट अब हमारी फॉर्मेटिंग रहती है। अब हम फॉर्मेटिंग करेंगे। फॉर्मेटिंग हमेशा बाद में करनी चाहिए ताकि आपका टाइम वेस्ट कम से कम हो, ठीक है। अब देखिए क्या करता हूं मैं, कि मैं यहां पे सबसे पहले ये मार्जिन जो है टॉप का, इसको ऊपर ले आता हूँ ताकि एक पेज में आ जाए। अब चेक करेंगे जूम, मेरा पूरा एक पेज में आ गया। सेलेक्ट किया मैंने फर्स्ट को, बोल्ड किया, सेंटर किया, इसके बाद इनको सेलेक्ट किया। यहाँ पे लाइन स्पेसिंग आपको पहले रिमूव करना है लाइन स्पेसिंग को, उसके बाद यहाँ पे हम करेंगे एंटर। अगर आपको गैप देना है तो आप यहाँ से मैन्युअली 1 लाइन 1.5 जितना भी करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे अभी फिलहाल रहता हूँ 1 ही, देखेंगे बाद में कि स्पेस बनती है कि नहीं बनती। ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो मुझे यहाँ पे फॉर्मेट देना है। अब फॉर्मेट देना है तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे करूँगा शेडिंग। ये शेडिंग है, देखिए अब यहाँ पे होता है एक होता है हाईलाइट कलर। अगर मैं यहाँ पे कलर लूंगा ना तो सिंपल जहाँ तक वो टेक्स्ट की विड्थ है वो उतना ही कलर लेगा, लेकिन अगर मैं शेडिंग की बात करूँगा तो वो पूरी की पूरी लाइन के ऊपर कलर कर देगा। तो जो सा कलर आपको चाहिए वो कलर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और साथ मैंने कर दिया बोर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को स्मार्ट वर्क करना है। अब जो टूल मैंने लगाए तो मुझे अब यहाँ भी लगाने पड़ेंगे, तो मैं क्या करूँगा टूल को कॉपी पेस्ट करूँगा, कैसे, फॉर्मेट पेंटर के साथ। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे लूँगा फॉर्मेट पेंटर और यहाँ पे ड्रैग कर दूंगा, तो आप देखेंगे वही पूरा फॉर्मेट जो वहाँ था वही वाला अप्लाई यहाँ हो गया। अब यही वाला मुझे आगे भी करना है, तो मैं फिर अगेन क्लिक करूँगा फॉर्मेट पेंटर पे और दोबारा अप्लाई कर दूंगा इस जगह पे। फिर अगेन क्लिक करूँगा फॉर्मेट पेंटर पे और दोबारा अप्लाई कर दूंगा। फिर अगेन इस पे क्लिक करूँगा और दोबारा यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा। तो ये है पावर फॉर्मेट पेंटर की। जब चेक करेंगे हम लोग कंट्रोल F2 करके, तो आप देखेंगे ये हमारा सेट हो गया ऑलरेडी, राइट। अब यहाँ पे हमें करना है बुलेट्स। अब बुलेट्स हम कर सकते हैं कैसे, यहाँ पे बुलेट्स आ रहे हैं तो यहाँ पे जोन सा बुलेट आपको चाहिए वो बुलेट आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। हालांकि बुलेट हम डिफाइन भी कर सकते हैं, और अगर मुझे शेप लेनी है कोई, या फिर मुझे कोई पिक्चर लगाना है, कोई लोगो लगाना है, वो भी लगा सकता हूँ। बट क्योंकि ये अभी सेशन क्लास का नहीं है, सिर्फ आपको डेमोस्ट्रेट करने का कि रिज्यूम कैसे बनता है तो वो बताया जा रहा है। लेकिन आपको अगर सीखना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि वीडियोस आती रहेंगी।
इसी तरह मुझे यहाँ पे लगाना है बुलेट, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे लेता हूँ ये वाला बुलेट और इनको मुझे करना है बोल्ड। मेक श्योर कि सिर्फ इसको करना है बोल्ड, तो इसको मैंने किया सिलेक्ट और यहाँ करता हूँ कंट्रोल बी। कंट्रोल बी क्या होता है? बोल्ड शॉर्टकट की है। ये मैंने किया सिलेक्ट एंड बोर्ड, सिलेक्ट किया बोर्ड, उसके बाद इतना एरिया फिर बोर्ड, इतना एरिया बोर्ड, या फिर आप अगर कंट्रोल भी नहीं करने तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। तो शॉर्टकट की बहुत सारी होती हैं बट इसे वीडियो में नहीं हो पाएंगी, तो हम इसको डिस्कस करेंगे बाद में। फिलहाल मैं बता रहा हूँ कि बोर्ड करना है, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है तो यहाँ पे आप इसको मैनुअल ठीक कर सकते हैं। इनको भी बोर्ड करना है, सिलेक्ट किया मैंने यहाँ पे और यहाँ पे बोर्ड। अब चेक करेंगे कंट्रोल एफ टू के साथ, तो आप देखेंगे विद इन अ सेकेंड, विद इन अ सेकेंड एक मिनट में सारा का सारा हो गया। एक चीज रह गई हमारी, वो थी ये। इसमें भी आपके ये पूरा लिखा नहीं मैंने। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, टैप प्रेस करके यहाँ भी टाइप कर देंगे कहाँ पे काम किया है। ये किया है जीनस प्राइवेट लिमिटेड के अंदर, और फिर यहाँ पे प्रयोग किया हमने टैब का, टैब का यूज़ किया और कहाँ से कहाँ तक किया, फ्रॉम जनवरी 2021 टू टिल डेट, अभी तक चल रहा है। डेजिग्नेशन क्या है, टेक्नीशियन, और सेक्शन क्या है हमारा इसका, मीन्स डिपार्टमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इसको भी बोल्ड करना है। तो सिलेक्ट करेंगे इतने एरिया को बोल्ड, अगेन इतने एरिया को बोल्ड, फिर अगेन इतने एरिया को बोल्ड। मेक श्योर कि सिर्फ जो आपको सिलेक्ट करना है उसी को बोल्ड करेगा, जो सिलेक्ट नहीं होगा उसको बोल्ड नहीं करेगा। अभी आगे चला गया तो इसको आप यहाँ से मैन्युअली पीछे कर दीजिए, सब सीक्वेंस में आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे अलाइन आ रहा है बट यहाँ प्रॉपर अलाइन नहीं है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, इनको सिलेक्ट करके पूरे पैराग्राफ को यहाँ पे करूँगा जस्टिफाई। देखिए फोर्सफुली यहाँ पे सिलेक्ट हो गया, पहले क्या था लेफ्ट था, मीन इस तरह से आ रहा था, मैं करूँगा जस्टिफाई तो फोर्सफुली दोनों ओर से बराबर कर देगा। और देखिए कहीं बराबर करने वाला है नहीं है, बिल्कुल ओके है। अब मैं चेक करता हूँ कंट्रोल के साथ F2, पहले इसको बड़ा कर लेता हूँ। इसका साइज क्या है, 12 और 14। मेक श्योर बता दूँ आपको, सेटिंग जो होती है हमेशा आपके डॉक्यूमेंट की, उसका साइज जो होता है 12 होता है और हेडिंग का 14 होता है, बट 14-16 भी आप कर सकते हो, तो 12-14 जो है रीडेबल होता है। कंट्रोल F2 किया, अब आप देखिए रिज्यूम बन गया, और ऊपर से हेडिंग थोड़ी सी कम करनी है, मार्जिन कम करना है, ताकि जो गैप ऊपर आ रहा है उतना ही गैप नीचे मेंटेन हो। उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से नीचे ले आऊँगा। अब चेक करते हैं कंट्रोल F2, अब आप देख पा रहे हैं बिल्कुल रिज्यूम हमारा सेट हो गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। सो ये हमने सीखा आज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हाउ टू टाइप रिज्यूम एंड एडजस्ट द सेटिंग्स एज पर आवर रिक्वायरमेंट। सो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, और हाँ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा, और साथ में बेल आइकन पर भी प्रेस जाते जाते कर दीजिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो आए किसी भी टॉपिक के ऊपर उसकी इन्फॉर्मेशन, उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। सो कीप लर्निंग विद अस, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।